गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम एसएससी जीडी का 10 जनवरी 2023 की शिफ्ट फोर्थ कर रहे हैं, ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन डिमांड ऑफ पीजेंट मूवमेंट ऑफ खेड़ा। जो खेड़ा सत्याग्रह हुआ था उसकी इसने पूछी थी मेन डिमांड क्या थी, तो वो थी रिवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। जो रिवेन्यू कलेक्शन था वो नहीं दिया जाना चाहिए। तो देखो, इसमें लिख रखा है द मेन डिमांड ऑफ द पीजेंट मूवमेंट ऑफ खेड़ा वॉज रिवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड। जो खेड़ा मूवमेंट था वो कहाँ हुआ था, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, किसके द्वारा हुआ था, महात्मा गांधी इन 1918। आपने तीन चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ कि जो खेड़ा मूवमेंट है वो कहाँ पे हुई थी, गुजरात में, किसने की थी, महात्मा गांधी ने, कब की थी, 1918 में, और उसकी जो डिमांड थी वो क्या थी, रिवेन्यू कलेक्शन बी रिलैक्स्ड, ठीक है। द मूवमेंट वॉज अ रिस्पॉन्स टू द ओप्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसीज इम्पोज बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा चंपारण सत्याग्रह। ये कहाँ पे हुआ था, चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, कब हुआ था, 1917 में। इसका एम क्या था, एड्रेस द एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। ये भी गांधी जी के द्वारा किया गया था। द चंपारण सत्याग्रह मार्क गांधी जी फर्स्ट मेजर नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इन सब के ईयर आपको याद रखने हैं। जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1920 में, ठीक है। ये जो मूवमेंट था वो एक अचीव था, मतलब स्वराज, सेल्फ रूल था, ठीक है, बॉयकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। उसके बाद है जो ये हमारा था चंपारण, कौन सा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, याद रखना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब था, 1920, ठीक है, ईयर इन सब के याद रखना। उसके बाद है डांडी मार्च या साल्ट सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, द डांडी मार्च आल्सो नोन एज साल्ट सत्याग्रह। जो डांडी मार्च था उसको साल्ट सत्याग्रह भी कहते थे, ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ये भी 1930 में। द मार्च बिगेन विद गांधी एंड ए ग्रुप ऑफ फॉलोवर्स एम्बार्किंग, 240 मील जर्नी थी, कहाँ से, साबरमती से डांडी तक, ठीक है। इन सब के ईयर आपको याद रखने हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 62, पिक द ओड वन आउट। जैसे फाइबर क्रॉप्स हैं, तो रबर क्या होती है, एक फाइबर क्रॉप नहीं होती, हैम्प, कॉटन और जूट, ये तीनों क्या है, एक फाइबर क्रॉप्स हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे तीन क्रॉप होती हैं, खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप्स, तो सबसे पहले है खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स आर प्लांटेड एट द ऑन सेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, प्राइमरली इन इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। आपको इनके एग्जांपल्स याद रखने हैं। एग्जांपल क्या होते हैं खरीफ क्रॉप्स के, जैसे राइस हो गया, कॉटन हो गया, कॉर्न, सुगर केन, टर्मरिक, पीजन, पी, ठीक है। उसके बाद है रबी क्रॉप्स, जो कि विंटर सीजन में होती हैं, ये क्या कर, इनमें कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं, वीट, बारले, ओट्स, चिक पीज एंड पीज, ठीक है, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में। उसके बाद एक आती है हमारी जायद क्रॉप्स, आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर सीजन इन रीजन्स विद ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट, ठीक है, बिटवीन मार्च एंड जून। इसमें कौन कौन सी इंक्लूड होती हैं, कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, मेज हो गया, बिटर गोर्ड हो गया, काउपी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 63, मदर ऑफ मोहिनीअट्टम इज अ डोक्यू फिक्शन बेस्ड ऑन। जो मदर है मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम कहाँ मनाया जाता है, केरला में, ठीक है, कथकली मोहिनीअट्टम केरला, और इसकी जो मदर थी वो कहाँ, कौन थी, कालामंडलम कल्याणमूर्ति अम्मा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 64, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रोफिक, ठीक है। उसके बाद है मकर संक्रांति सेलिब्रेटेड एज पैदा पंडुगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। उसके बाद बोला गया था कि विच इंडियन ओरिजिन सिख हैव बीन न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2023, तो ये थे अमर सिंह, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। उसके बाद है 67 क्वेश्चन कि कौन सा आर्टिकल डील्स करता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द स्टेट एग्जीक्यूटिव, तो जो आर्टिकल 153 से लेके 167 तक होते हैं वो डील्स करते हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव से, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है ऑफ इंडिया, उसने पास किया था एक जजमेंट ट्रिपल तलाक को लेकर, वो कब था, 2017 में, ठीक है। उसके बाद लाइमस्टोन इज द रॉ मटेरियल ऑफ डैश अमंग द गिवन इंडस्ट्रीज, तो जो लाइमस्टोन है वो रॉ मटेरियल है सीमेंट इंडस्ट्री का,
उसके बाद आता है बजट डॉक्यूमेंट्स क्लासिफाई टोटल एक्सपेंडिचर इनटू प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन नंबर 71, हाईएस्ट स्कोरर इन द फाइनल मैच ऑफ क्रिकेट वर्ल्ड कप 1983, तो हाईएस्ट स्कोरर कौन थे, कृष्णामाचारी श्रीकांत, ठीक है। उसके बाद फिरमोहिनीअट्टम का आया है, कहाँ का है, केरला का, ठीक है। उसके बाद आता है इन इंडिया ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन टूवर्ड्स द साउथ, तो ये आएगा हमारा मॉनसून फ्लो। H2SO4 जो है वो केमिकल फॉर्मूला किसका है, H2SO4 है हमारा ऑयल ऑफ विट्रोल। अगर आपसे ब्लू विट्रोल पूछा जाए तो CuSO4 कॉपर सल्फेट, ग्रीन विट्रोल पूछा जाए तो FeSO4 फेरस सल्फेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 है, विच यूनियन मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट टेक कॉन्क्लेव 2022 इन मार्च, तो ये थे अश्वनी वैष्णव। ये भी करंट का क्वेश्चन है। एक ये इंपॉर्टेंट है कि जो टेक्निक्स ऑफ मेकिंग सिल्क वर फर्स्ट इन्वेंटेड इन चाइना अराउंड 7000 ईयर्स अगो, ठीक है। उसके बाद है विच कंट्री होस्टेड द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप इन 2019, तो वो थी कतर। एट इंडिपेंडेंस अबाउट -% ऑफ पॉपुलेशन वॉज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, आज़ादी के टाइम पे जो 75% हमारी पॉपुलेशन थी वो किस पे डिपेंड थी, एग्रीकल्चर पे, ठीक है। जो मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है वो कहाँ से लिया गया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। इन इंडिया इन विच ईयर द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्कीम लॉन्च्ड, तो ये की गई थी 2004 में। आज की ट्रिक देख लेते हैं, उड़ीसा, देखो उड़ीसी जो डांस फॉर्म है वो कहाँ का है, उड़ीसा का है। ओल्डेस्ट फॉर्म है क्लासिकल डांस का। इसके जो मेन डांसर्स हैं या इंपॉर्टेंट डांसर्स हैं, एक हो गया सोनल मानसिंह जो उड़ीसा में भी हैं और भारतनाट्यम में भी हैं, एक हो गया हमारे सबसे इंपॉर्टेंट है केलुचरण मोहापात्रा, एक मायाधर राव और एक है देवा प्रसाद दास। तो आप ये ट्रिक कैसे याद रखेंगे, उड़ीसा में देव को रात में केले खिलाए, उड़ीसा में देव को रात में केले खिलाए, केले से हो जाएगा आपका केलुचरण मोहापात्रा, देव से हो जाएगा देवा प्रसाद दास, रात से हो जाएगा मायाधर राउत और उड़ीसा से हो जाएगा उड़ीसी, ठीक है। ये हमारा फोर्थ शिफ्ट का पेपर था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।